यहाँ के पिताजी स्वामी जी महाराज द्वारा आप आयोजन में आप सम्मिलित हैं और 5 मिनट आगे जी 5 मिनट हमारे पिताजी जी बैठे हुए हैं। मैं सभी संत महात्माओं को भगवान की तरफ से मंगल कामना करता हूँ। चलिए मैं 5 मिनट में 2-4 शब्द में रहता हूँ। आपके पास भी समय नहीं है, मैं भी आपकी भावना को याद करते हुए तत्काल रात्रि में हम लोग हैदराबाद से लौट कर आए और पुनः रात्रि में औरंगाबाद गए, पुनः लौट कर आ रहे इसलिए क्योंकि यहाँ पहुँचना है। तो चलिए मैं 2-4 शब्द करूँगा। अभी आप यहाँ पर बैठे होंगे ये जानने के लिए कि मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, मानव जीवन को हमने क्यों प्राप्त किया। एक बार भाव शंकर जी से पार्वती ने पूछा, महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए संसार में हम लोगों ने प्राप्त किया। भूतभावन शंकर जी ने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा है तो उन्हीं की बात को निवेदन करें। भूतभावन शंकर जी ने कहा देवी मानव जीवन केवल संसारिक विषयों वासनाओं वस्तुओं के नहीं है बल्कि निर्देहम सुलभम सुदुर्लभम पर्वम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम करेंगे। निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष एज इन लाइफ इट, जो आपकी पसंद हो, अर्थ की कामना हो, धर्म कामना हो, संसारिक स्थिति कामना हो और मोक्ष कामना हो, ये चारों चीजों को मानव शरीर द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और जितने भी दुनिया में जोनियां हैं वो केवल इस मानव शरीर जोनी प्राप्त करने के लिए है, इसको प्राप्त कराने के लिए वह उपक्रम है। उपक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर से चले कोई साइकिल से कोई मोटरसाइकिल से कोई पैदल, लेकिन सबका एक मात्र ही रहा इस प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सम्मिलित हुई। ये अच्छी बात नहीं कोई अपने घर चले यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, कहीं संसार में रास्ते में कोई मित्र मिल गया उसमें खाने में पीने में बैठने में बात करने में ऐसा न होकर आप बीत जाए समय बीत जाए, नहीं होना चाहिए। हम संसार में रहे, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में रहे, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ। देखिए ये संसार झंझट नहीं है, लोग कहते महाराज जी दुनिया बहुत झंझट है, अरे झंझट तो आपने बना लिया है जी, ये संसार झंझट नहीं है, झंझट तो हमने बना लिया है, ये तो चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई पराये संग में धोखा है। हरी भजरे हरी भजरे हरी भजरे का मौका है ये भी बताया गया, ये दुनिया झंझट नहीं है। एक चौधरी साहब की मैं कथा सुनाते रहता हूँ, हम लोग ने अपने अनुसार झंझट पाल लिया, झंझट है नहीं। एक आधुनिक कथा में सुना, एक चौधरी साहब हरियाणा के थे, बहुत अपने आप संपन्न थे, चौधरी का मतलब जिनका धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत बड़ा हो उधर अपने आप चौधरी कहलाते हैं। चौधरी साहब अच्छे थे, उन्होंने 2-4 10 मथुरा ही भविष्य में पाल कर रखा था, बड़े आदमी थे। चौधरी साहब के मन में हमेशा यही बात रहा करती थी कि मेरी भविष्य जो है इसका सिंह कितना सुंदर गोला है, इस सिंह की गोलाई उतनी है जितना कि मेरे सिर की गोलाई है, कैसे नापा जाए। और जब भी भैंस बैठे रहती थी पागू करती थी हमेशा अपने सिर को घुसा करके और उसके सिंह में नापना चाहते, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। ऐसे करते करते 6 महीना में लग गया, 6 महीना लग गया। एक दिन अचानक भैंस बैठी हुई थी, चौधरी साहब ने कहा अच्छा मौका है पागुल भी कर रही है, और गए और जेहर उसके सिंह ने अपने सिर को लगाया, भैंस खड़ी हो गई। अब समझिए क्या परिस्थिति होगी, भैंस जब खड़ी हुई रस्सी को तोड़ करके और भागने लगी अपने आप में, और भैंस गलियों में भाग रही है, जो लोग देख रहे अरे चौधरी साहब का सिर जो है सिंह में फंस गया है। और बड़ी समस्या, पूरे गांव में चक्कर लगा दिए बेचारी इसी तरह अस्त व्यस्त है। अंत में किस तरह रस्सी से पकड़ करके भैंस को पकड़ा गया और उनके सिर को अपने आप में खींच कर निकाला गया। उनकी जो पत्नी थी कही आपकी बुद्धि मारी गई, यही होना चाहिए, बताइए आप सिर उसके सिंह ने सिर अपना फंसा लिए। चौधरी साहब ने फंसा नहीं लिए, इस फंसाने के लिए 6 महीने हमने अभ्यास किया था, तब फंसा, वही झंझट। अब बताइए कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं, यही दुनिया है, दुनिया झंझट है नहीं, हमने झंझट दुनिया को बना दिया है, यही कहना चाह रहा था, ये झंझट है नहीं। क्योंकि इस संसार में रहना बंधन नहीं है, बल्कि संसार की वस्तु व्यवस्था को अपना मान लेना यही बंधन है। बैंक के मैनेजर साहब के पास 100 रुपया आता हो, लाखों रुपया देते हो, लेकिन मैनेजर साहब कहे कि हमारा रुपया है तो हम बंधन
उस रुपया को निकाल करके कहीं जाकर अपने आप अपना घर दुआ बनाने लगे तो दलान बनाने लगे गाड़ी घोड़ा क्या होगा उन पर कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी। वो इसलिए है कि जब तक उस ड्यूटी पर है उस पद पर है पैसा किसी को लेते रहे देते रहे निकालते रहे जाते रहे इसके लिए है। ठीक उसी प्रकार से आप संसार में रहिए परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहिए खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन कीजिए लेकिन याद रखिए एक ऐसा तत्व है एक ऐसा जगह है जहां जाना ही होता है रहना नहीं देश विराना है यह संसार कागज की पुड़िया पानी पड़े गल जाना है रहना नहीं देश विराना है यह संसार कांटों की झाड़ी उलझ उलझ मरे जाना है रहना नहीं देश विराना है याद रखना होगा अपने आप में। इसलिए आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट पर जाते होंगे प्रतीक्षालय जो है तभी तक के लिए है जब तक से अपने आप ट्रेन नहीं आ रही है बस नहीं आ रही है या कोई जहाज नहीं आ रही है। लेकिन आप कहेंगे भाई घर पर तो अच्छा व्यवस्था नहीं है और प्रतीक्षालय भी अपने आवास बना दीजिएगा रह पाएंगे ट्रेन जहाज निकलेगी कर्मचारी भाई साहब आप कैसे अरे साहब हमारी ट्रेन जहाज तो निकल गई लेकिन हमारी इच्छा में भी घर बना ले कर्मचारी रहना देगा वहां पकड़ कर खड़ा गया से जब तक से ट्रेन नहीं आई थी तभी तक प्रतीक्षालय के सुख सुविधा लेने का अधिकारी आप है और ट्रेन के चले जाने के बाद आप उसको अपना घर और डेरा बनाएंगे हो नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप संसार में रहिए परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहिए खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन के लिए और ये मानिए कि परमात्मा ने हमें आज्ञा दिया है परमात्मा की आज्ञा मान करके परमात्मा का एक पुरस्कार मान करके परमात्मा के उपहार मान करके संसार के लोगों के साथ रहिए परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहिए तो आपका हर पल हर क्षण हर व्यवहार ही वो साधना हो जाता है। और जब ये मानते हैं कि मैं ही हूँ और हमारा ही है तो वहां से कहीं वो सीट दबा देते हैं तो क्या होता है ये दुनिया के लोग यही देखते ही हम जाते हैं कोई हमारे साथ जाता होता नहीं है। आज 2 वर्षों से आप लोग देखते आ रहे हैं कि कितना में अपने आप के विज्ञान है कहाँ आविष्कार है अब फांस हो गया बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बड़े बड़े राष्ट्र को भी अपनी बल की अपनी ताकत की अपने आप पता चल गया कि किस तरह से अपने आप में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नहीं बताया गया है धनानि भूमौ पशवश गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने धनानि भूमौ धन संपत्ति का यही पर आ जाती है किसी के साथ जाती नहीं है और कभी गई नहीं है ऐसा देखा अभी बहुत से अभिभावक लोग नए होंगे पुराने होंगे बहुत कुछ किए होंगे और जब जाने लगे ऐसा भी हम लोग नहीं किया कि चलो बाबा है पिता है चाचा है भाई है तो 2 लाख का चेक उनके हाथ में दे कि मार में कहीं काम करेगा ऐसा किसी ने किया क्या नहीं नहीं वो क्या करते हैं कितना भी आप कमा लीजिए कफन मार का कपड़ा लेते हैं तो उठा करके और बांस की अपने आप में एक डोली को बैठा कर दिया कर देते हैं कोई साथ ही जाता होता नहीं है। एक घर घर में गांव गांव में दिनचर्या चलती रहती है फिर भी हमें ज्ञान न हो कि हमारा है भाई आपका होता तो आपके साथ जाता आपके साथ देते लोग कहाँ जाता है अपने आप में धनानि भूमौ पशवश गोष्ठे जो भी गाड़ी घोड़ा है ये भी अपने स्थान पर रह जाते हैं वो भी साथ ही जाता होता नहीं है। धनानि भूमौ पशवश गोष्ठे नारी द्वारे अरे जिस पत्नी के इशारे पर मर्यादा में आपने अपने दिन को दिन नहीं समझा रात को रात नहीं समझा तो पत्नी भी बहुत स्नेह करने वाली होगी आपके जाने के बाद घर के द्वार तक गिर जाएगी पुनः वहां से संतोष करके वो लौट आती है वो भी साथ ही जाती नहीं है। धनानि भूमौ पशवश गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने ये बंधु जन जो है बहुत से प्रेम करने वाले होंगे तो शमशान तक जाएंगे जब तक आपकी अर्थी को आग पर सुला नहीं दी जाती है तब तक आप ही की चर्चा चलती रहेगी। बताओ दुनिया में कोई किसी के साथ जाता है 11:30 बजे फोन किया 12 बजे बात किया 12:15 बजे चला गया जीवन का क्या भरोसा है। इसीलिए जब तक आपकी अर्थी जल नहीं जाती है तब तक आपकी चर्चा होती रहती है। बंधुजन शमशान तक जाएंगे आज इस पुत्र परिवार के लिए आपने बहुत कुछ उपद्रव किया अनिति किया अन्याय किया वो क्या करेगा वो भी सोचेगा जो होने वाला था सो हो गया अब चले गए पिता चले गए भाई चले गए वो भी संतोष करके और आपके जलने के बाद वो लौट आएगा वो साथ ही जाता होगा नहीं। एक चीज हमारे साथ जाती है धर्मानुगच्छत जीव एक लोका एकमात्र हमारी नैतिकता हमारा व्यक्तित्व हमारी मानवता जो है वो हमारे साथ थी साथ जाती है और बाद में भी रहती
रहती है। इसी बातों को भूत भाव शंकर जी पार्वती से कहते भी इस दुनिया में अपने आप में निर्देह सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु करण धारम निदेह माध्यम। ये मनुष्य का शरीर जो है ये माध्यम है, अर्थ धर्म कामोक्ष इसका माध्यम मनुष्य का शरीर है। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम इस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है वो देवताओं के लिए और बाद में दुर्लभ हो जाता है। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम इस मानव शरीर की रचना अपूर्व हुआ है मानव द्वारा। कोई कहता महाराज जी हम अपने आप सृष्टि को तो मानते हैं, प्रकृति को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऐसा होगा जी? ऐसा होगा नहीं। कोई कहता है कि हम अपने आप में आज कुछ समाज से ही होगा, मान लियो कहीं धर्म कर्म और कहीं संत महात्मा देवता को नहीं मानता होगा, लेकिन जिस पार्टी की सेवा करता है कहता है कि हम पार्टी को तो मानते हैं लेकिन पार्टी के संचालक को नहीं मानते हैं। ऐसा होगा नहीं? नहीं। कोई कहता है कि हम तो राष्ट्र मानते हैं लेकिन राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मानते हैं। ऐसा होगा? राष्ट्राध्यक्ष अपने आप में के बाद ही राष्ट्र होता है, बता दीजिए। क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष अगर न रहे तो राष्ट्र को संबोधित कौन करेगा? अभी आपके हाथ में मोबाइल है, अनेक प्रकार कंप्यूटर है, कोई कहे मोबाइल को तो मानता हूँ, कंप्यूटर को तो मानता हूँ, अनेक प्रकार वैज्ञानिक उपकरण को तो मानता हूँ, लेकिन बनाने वाले को नहीं मानता हूँ। ऐसा होगा क्या? जब मोबाइल है, कंप्यूटर है, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण है तो बनाने वाला भी कोई होगा। एक पढ़े लिखे हमसे एक विद्यार्थी ने पूछ कहा कि महात्मा जी ये ऑटोमेटिक है अपने आप में अपने द्वारा होते रहता है। मैंने कहा ऑटोमेटिक है आप कहते हो, लेकिन अति आधुनिक उस ऑटोमेटिक को बनाया किसने? आपके पास मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, क्या उसने कहा कि जैसे अपना कंप्यूटर में अपने से रंग हो जाता है, अपने से पेंटिंग हो जाता है, हमें कुछ वायरस होता है एंटीवायरस कौन डालता है? अपने से हो जाता है कि एंटीवायरस डाला जाता है, वही डालने वाले को, वही ठीक करने वाले को गौर कहा जाता है। ये दुनिया प्रकृति जब अपने आप संचालित करना होता है तो किसी न किसी के द्वारा संचालित होती है। अल्थीम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल अल्केसर ग्रेट एंड छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको कोई न कोई निर्माण करने वाला है, उसी को गौर कहा जाता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। अभी इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, कोई कहे हम आयोजन को तो मानते हैं एक आयोजक को भी मानते हैं। ऐसा होगा क्या? जब आयोजन है तो आयोजक को भी मानना पड़ेगा अपने आप में। जब अपने आप संसार है तो संसार के बनाने वाले को मानना ही पड़ेगा, चाहे उनको राम रूप में मानिए, कृष्ण रूप मानिए, नारायण रूप मानिए, देवता के रूप मानिए, देवी के रूप मानिए, लेकिन जब कोई है इस दुनिया को बनाने वाला भी कोई कोई होगा। वही हमारे भूत भाव शंकर जी कहते हैं निर्देहम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकरण धारम। ये दुनिया की रचना करने में परमात्मा ने अपनी सारी तकनीकी को लगा दिया। पल्लवम सुकल्पम गुरुकरण धारम और आचार्य को कर्णधार बना दिया। आचार्य किसे कहते हैं? गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, एक शरीर नहीं होता है, जिसका उपदेश जिसका संदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए हो उसी का नाम गुरु, चाहे वह कोई भी हो ऐसे उसी को गुरु कहा जाता है। इन शब्दों के द्वारा हम अच्छे मार्गों के, अच्छे विचारों के, अच्छे कर्मों के अधिकारी हो जाते हैं, गलत मार्गों के, गलत विचारों के त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु कर्णधारम आगे कहते माया अनुकूल हर मनुष्य में भगवान की सत्ता है। यही पर आप लोग कहते महाराज कहां भगवान को दिखाएंगे? तो पूछा जब देखने से कुछ हम तो देखते हैं तो मानते हैं, कहते हैं हम देखते हैं तो मानते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि तुमने अपने माता पिता को देखा है क्या? वो तुम्हारे माता पिता हैं? कोई अपने पैदाइशी के माता पिता को कैसे कह सकता है? अगर देखने को कोई मानेगा तो अपने जन्म को कोई सिद्ध नहीं करेगा, कुछ दिखाई नहीं है। हाँ कहीं तुम देखा है कोई कहेगा तो चले जाकर पाखाना में बंद कर दिया जाएगा, ऋषियों ने कहा, ग्रंथों में कहा गया है, नहीं मानेंगे आप? इसलिए सब कुछ दिखने से नहीं माना जाता है, कार्य सही कर्ता को माना जाता है, कारण सही कर्ता को माना जाता है, अनुमान सही कर्ता को माना जाता है। मान लिया कि
मान लिया कि अपने आप ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, इससे बड़े बड़े गणित सरल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर बड़े बड़े गणित को सरल कर ले जाते हैं। फिजिक्स की जहां तक बात करें एक सूत्र को बहुत सरल कर ले जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें अपने आप में वो मानने से हो सकता है और नहीं होगा, इसलिए अनुमान से ही अपने आप में उन तत्वों को जाना जाता है। जब कोई कार्य दिखा जाए उससे माना जाता है कि नीम का वृक्ष है, ये वृक्ष शीशम का है, इसको नहीं देख रहे कौन लगाया है, लेकिन जब है तो होगा कहीं ना कहीं इसका बीज कभी ना कभी गिरा होगा, किसी ने लगाया होगा। उसी प्रकार से जब प्रकृति है, दुनिया है, तो दुनिया को भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा, ऐसा जानना चाहिए। बहुत भाव शंकर जी कहते हैं पल्लवम सुकल्पम, ऐसे तत्वों को जनाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। जो हम जान रहे हैं मान नहीं रहे हैं, जो मान रहे हैं जान नहीं रहे हैं, जो मान रहे हैं जान रहे हैं लेकिन भीतर बैठ नहीं रहा है, इनको जो समय प्रकार से अभिज्ञान करा दे, परिज्ञान करा दे, उसी का नाम गुरु है। तो बोध भाव शंकर जी कहते हैं कि निदेह हम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले। हर प्राणी में भगवान की अपने आप सत्ता होती है। जितने आप लोग हैं यहाँ पर, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अंति क्या है, नहीं समझ में आता है, किताब आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी पर अपने आप देखेंगे कोई किसी के पॉकेट में हाथ डालने लगे बिना पूछे तो देखिए क्या होता है, भीतर से आवाज आती है, अरे भाई क्या कर रहे हो, यहाँ भी नहीं तुम चुपचाप रहते हो, ये भीतर समाज आती है, यही तो धर्म है, यही तो धर्म है, जो हमेशा हमें भीतर से एक मीटर लगा हुआ है। मीटर कहाँ है, नाभि से 10 आंगुल ऊपर एक मीटर लगा हुआ है। हमेशा अपने आप में अच्छा कोई काम करना चाहिए, मीटर हमेशा आगे भाग जाता है। ठीक है, समस्या तो है, संकट तो है, झंझट तो है, छोड़ना नहीं है। आज जिन ही कोई गलती काम कर लेते हैं वो मीटर पीछे भाग जाता है, अरे भाई बहुत लाभ तो है, ये करना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। वही भगवान है, वही भगवान है जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं। बहुत धाम से जी कहते हैं मयानुकूलेन अनुकूल वायु बन करके परमात्मा हर मानव में प्रेरणा के रूप में रहते हैं। ये सब होने के बाद भी जो मानव शरीर को अच्छे कर्मों में, अच्छे विचारों में, अच्छे आचरण में नहीं आया, सह आत्महत्यारा, वही ये संसार का सबसे बड़ा अभागा आदमी है। इस तरह बुद्ध भाव शंकर जी कहते हैं कि हे देवी जीवन में सबसे मनुष्य का यही है, यदि किंचित किसी कारण से भटकाव में गया हो लेकिन पुनः अगर हमारे जीवन में आगे भटकाव नहीं आएगा, ऐसा विचार करके जो अपने जीवन को संभाल लेता है, सजा लेता है, वही जीवन का सबसे परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। बुरी आदत से हार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, यही भजन है। पूजा पाठ करना, जग करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में किसी प्रकार से कोई हमें अनुमान द्वारा, कहने द्वारा, शास्त्रों द्वारा कोई अनिति उपद्रव प्रतीत होता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना और अच्छे मार्गों, अच्छे विचारों की तरफ अपना स्थापित रहना। ऐसा अगर हमने कर लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो मानव जीवन का हर कर्म, हर व्यवहार, हर आचरण ही वह साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजन हो जाता है, यजन हो जाता है, वर की जीवन से यही कर्म किया है। जिस कर्म में परमात्मा की आज्ञा मान करके हम कर्म करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन अपने आप उस आज्ञा मानकर अगर कर्म किया जाए तो हर कर्म ही हमारी साधना, आराधना और पूजन हो जाती है। यही हमारे भगवान शंकर जी ने पार्वती को बताया। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की शिक्षा भगवान की। नमस्कार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की।
स्वामी महाराज की धाम की धाम की जय स्थल की जय महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भास्कर जय जय श्री भास्कर हरि ओम शांति।